चार चांद लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम के हवाले से जाना चाहेंगे जी। आज जो सरजमीन दुखचंद में जो 15 गढ़वाल की तरफ से प्रोग्राम है मुनक़द कराया गया, मेरे ख्याल में एक तारीखी प्रोग्राम है और रियासत जम्मू कश्मीर में शायद पहला प्रोग्राम होगा जो आप देखेंगे कि गुजर बकरवाल जो पिछड़े हुए इलाके के वो दराज लोगों में लोग रहते हैं वो यहाँ पे आए, साथ साथ में हमारे शुपियान के जो हिली एरिया जैसे हिरपुरा है इसके साथ बुरियालन है या सदऊ वगैरह यहाँ के हमारी कश्मीरी बिरादरी के लोग भी आए, तो हम सब भाई हैं, सब लोग यहाँ के सब ने मिल के यहाँ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। मैं सबसे पहले मुबारक देना चाहता हूँ जो हमारे 15 गढ़वाल के CEO साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये बड़े नौजवान हूँ, तो मैं आज के प्रोग्राम की वसात से कहूँगा कि शायद ऐसे ऑफिसर अगर पूरे जम्मू कश्मीर में हों तो वो जो आपसी दूरियां वो बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगी और हम सब भाइयों की तरह मिलके इस जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदले में अहम रोल अदा करेंगे। क्या आपको लगता है कि इन प्रोग्रामों के मनक़द करने से फौज और आवाम की बीच दूरियाँ जो है वो ख़त्म हो रही है? आप देख रहे हैं, आप तो खुद मीडिया वाले हैं शायद, आप देख रहे हैं कि कितने करीब एक टेंट के नीचे सब बैठे हैं, एक चेयर पे सब बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे और क्या दूरियां नज़दीक हैं, बहुत दूरियां बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं और साथ साथ में जो यहाँ ना हमारे जो दूर दराज के जो लोग हैं उनमें टैलेंट बहुत काफ़ी है लेकिन उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा, तो आज जो 15 गढ़वाल ने यहाँ पर प्लेटफार्म मुहैया किया गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की वसादत से, यहाँ हमारे चौधरी अकबर साहब हैं या हमारे इम्तियाज़ साहब हैं या बाकी जो यहाँ पे शमीम साहब हैं, बाकी जो भी साथी आए उन्होंने भी इसमें पूरा हिस्सा लिया है, यहाँ कल्चर प्रोग्राम मुनक़द किए गए, यहाँ स्कूली बच्चों ने प्रोग्राम मुनक़द किए गए, मेरे ख्याल में इन बच्चों को शायद और कहीं नीचे ये स्टेज ना मिलता, तो मैं देख रहा था कि हमारी बच्चियाँ यहाँ बड़ा अच्छा कश्मीरी सॉन्ग पेश कर रही थी, मैं उनकी तरफ बड़ा मुतवज्जा था कि बच्चियों की इतनी सुरीली आवाज़ और साथ साथ में हमारे जो एक मशहूर सिंगर है रफ़ी खटाना साहब उनकी टीम ने एक से एक बढ़ के और यहाँ पे जो हमारे एंकर जो यहाँ पे हैं जो प्रोग्राम को इसमें स्टेज सेक्रेटरी भी वही है इस वक्त, उन्होंने भी यहाँ पे बड़ा बढ़िया एक गाना पेश किया, तो मेरे ख्याल में साथ में या डांस का प्रोग्राम था या घोड़ों की रेस थी, तो एक से एक बढ़ के प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़द किए गए। मैं CEO साहब को अपनी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बाकी जो डिपार्टमेंट या है जो भी लोग हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इन प्रोग्रामों का इनका जो है ये शायद रियासत की तकदीर बदलने में एक अहम रोल अदा करेगा। चलो बेटा लाइन